हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जोया। तो काफ़ी दिन से मैं आप लोगों के साथ मेकअप लुक्स शेयर कर रही थी, प्रोडक्ट रिव्यूज शेयर कर रही थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट भी शेयर करूं जो कि मैं पर्सनली यूज़ करती हूं और उन रिजल्ट्स मुझे कैसे मिले हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। तो निविया के प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो ये है कुछ प्रोडक्ट्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इनके रिव्यूज़, और आप लोगों को बताऊंगी कौन सी चीज़ कौन सी स्किन टाइप के लिए है, क्योंकि हम मैं और मेरे हस्बैंड, मैं हूँ बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन वाली और मेरे हस्बैंड की स्किन है नॉर्मल, तो वो भी ये इनमें से कुछ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो साथ ही साथ दोनों स्किन टाइप का रिव्यू आप लोगों को मिल जाएगा। प्रोडक्ट्स को वन बाय वन दिखाने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ कि इन प्रोडक्ट्स के साथ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इनको खुद यूज़ किया हुआ है, तो मैं इनका ऑनेस्ट रिव्यू ही आपको देने वाली हूँ। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट है, ये प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, इन प्रोडक्ट्स की जो फ्रेगनेंस है बहुत ज़्यादा माइल्ड है, बहुत ज़्यादा तेज स्मेल नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा तेज फ्रेगनेंस वगैरह सूट नहीं करती है या वो पसंद नहीं करते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि ये आपको ईजिली लोकल मार्केट्स में मिल जाती हैं, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगी, तो इनको ढूंढने का कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, हर जगह पर ये इजीली अवेलेबल होती हैं। साथ ही साथ फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो फिफ्थ पॉइंट ये है कि इसमें इनकी रेंज काफ़ी बड़ी है, मतलब आपको मैन एंड वुमेन दोनों के ही प्रोडक्ट्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये है कि स्किन केयर मतलब ऑल टाइप स्किन, आपको ड्राई, कॉम्बिनेशन, ऑयली और नॉर्मल सब स्किन के लिए इसमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं निविया की क्रीम्स की, जो कि मेरे पास तीन किस्म की यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं सुपर ड्राई स्किन से, जो कि मेरी अपनी है, उनके लिए जो बेस्ट क्रीम है वो है ये वाली निविया की। ये वाली क्रीम जो है सुपर ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। और इस क्रीम का एक और यूज़ आप लोग क्या कर सकते हो कि विंटर्स में जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लेकी मतलब पपड़ियाँ से उतरने लग जाती हैं, तब ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी आप लोगों के लिए। आप इसका मास्क भी लगा सकते हो, मतलब इस क्रीम की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा थिक है। आप इसको पूरे फेस पर लगा कर 20 मिनट तक छोड़ो तो ये बहुत ही आपकी स्किन को स्मूथ कर देगी और जो पपड़ियाँ सी उतर रही होती हैं उसको ये ख़त्म कर देगी। तो इस क्रीम का मैं मास्क भी यूज़ करती हूँ, जो मैं खुद करती हूँ वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद जो सेकंड क्रीम है वो है निविया सॉफ्ट, ये वाली आप लोग देख रहे हो। तो ये नॉर्मल और ऑयली स्किन दोनों यूज़ कर सकते हैं, मुझे ये सूट करती है, लेकिन जब मौसम नॉर्मल हो, बहुत ज़्यादा सर्दियों में इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है, और ड्राई स्किन वालों का भी नहीं होगा क्योंकि मैं खुद ड्राई स्किन वाली हूँ। उसके बाद निविया की ये केयर फ्रेग्रेंस इवन एंड नरिश द स्किन फेस एंड बॉडी क्रीम, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। इसमें SPF 15 भी है, फेयरनेस क्रीम, एज ए फेयरनेस क्रीम मैं इसको यूज़ नहीं करती। असल में जब मौसम नॉर्मल था तो मैं इसको डे क्रीम में यूज़ कर लिया करती थी, तो जो ऑयली स्किन वाले हैं वो इसको विंटर में एज अ मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं। देन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी निविया की ये दो लोशंस, जो कि हैं बॉडी लोशंस, एक है नेशनल फेयरनेस और दूसरा है कोको बटर। तो सबसे पहले मैंने परचेज किया था ये पिंक वाला, लेकिन ये मेरी स्किन पर इसने काम नहीं किया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो ये नॉर्मल और ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है इसमें जो पिंक वाला है। और मेरी स्किन पर जो काम करता है वो है कोको बटर इंटेंसिव नरिशमेंट हाइड्रेशन इंटेंस, ये वाला। ड्राई स्किन वालों के लिए ये वाला बेस्ट है और नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए ये पिंक वाला बेस्ट है। उसके बाद बात करते हैं निविया के फेस वॉश की। मैं आजकल जो यूज़ कर रही हूँ निविया का फेस वॉश वो है फेयरनेस फेस वॉश, जिसमें है ये आपकी स्किन को डीप क्लीन करता है, इसमें है विटामिन सी एंड ई, और ये है इसकी पैकिंग, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि मेरी फेवरेट प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोग देख सकते हो कि ये मुक गया है
और ये मैंने न्यू परचेज कर लिया है। ये है निविया का अंडर आर्म रोल ऑन। तो ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोडक्ट आप समर्स में ही यूज़ करो, सर्दियों में भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सर्दियों में नहाना और भी कम हो जाता है, सर्दी की वजह से रोज़ रोज़ नहीं नहाया जाता है। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़बरदस्त है और इसकी फ्रेगनेंस अगर एक बार आप यूज़ कर लोगे तो आप ज़रूर मुझे दुआएं दोगे, क्योंकि बहुत ही मज़े की इसकी फ्रेगनेंस है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। और लोगों को बताती चलूँ कि आफ्टर शेविंग भी अगर इसको आप लोग अप्लाई करते हो तो इससे कोई इचिंग, कोई रैश कुछ नहीं होता है। मैं खुद यूज़ कर चुकी हूँ तो गाइस बहुत अच्छा है ये वाली प्रोडक्ट, तो मेरी मोस्ट फेवरेट है। तो डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार परचेज करके इसको ट्राई करके देखो। तो ये थी आज की कुछ प्रोडक्ट्स जो कि निविया की मेरी फेवरेट हैं। इनके साथ मैं जो जो करती हूँ और जो जो इनके रिजल्ट हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अगर किसी भी स्किन टाइप की लड़कियाँ मुझे देख रही हैं तो उनके लिए परचेजिंग में आसानी हो जाएगी। अगर आप नॉर्मल स्किन के हो, ड्राई स्किन के हो, ऑयली स्किन के हो, तो मैंने आपको वन बाय वन हर चीज़ के बारे में बता दिया है। तो ख़रीदिए जाके और दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से रिव्यू के साथ, अच्छी सी प्रोडक्ट्स के साथ और अच्छे से मेकअप लुक्स के साथ। तब तक आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा ताकि किसी का भला हो जाए और मेरा भी भला हो जाए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।